अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और पिछली वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे जी। काफ़ी टाइम से किसी ट्रेन का रिव्यू वीडियो नहीं अपलोड मैं कर पा रहा था, तो काफ़ी दोस्त कमेंट में जो है शिकवा कर रहे थे कि आप रिव्यू वीडियो नहीं किसी ट्रेन के अपलोड कर रहे। तो कराकरम एक्सप्रेस का मैंने नोट किया कि सबसे ज़्यादा लोग कह रहे थे, तो ये पीछे अभी बैकग्राउंड में GRU-20 का हॉर्न आपने सुना है। तो काफ़ी दोस्त कराकरम एक्सप्रेस का कह रहे थे, उसकी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो सोचा आज उसका रिव्यू करूं। आज मैं इसी सिलसिले में आया हूं लाहौर स्टेशन पे, तो टाइम हो रहा है अभी 2:30 बजे का। तो ट्रेन का यहां से लाहौर से डिपार्चर है 3 बजे, 3 बजे निकलेगी यहां से। तो अभी तक 2:30 बज गए हैं, तो अभी तक कोई रैक नहीं प्लेस करवाया गया यहाँ पर। अभी देखते हैं कितने टाइम में प्लेस करवाया जाता है। इसका अभी लीडिंग पावर 9013 में भी है या 15 है, वो अभी मैं कंफर्म करता हूँ। वो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी हुई है, ये पीछे अगर आपको नज़र आ रही हो, ये ट्रेन के साथ खड़ी है GU-40-9013, जो कि आज लीड करेगा 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस को लाहौर से कराची कैंट तक। तो अभी इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कितने टाइम तक इसका रैक प्लेस करवाया जाता है। मोस्टली ये ट्रेन लाहौर से राइट टाइम ही डिपार्ट करती है, मतलब लाहौर स्टेशन से राइट टाइम ही निकलती है। देखते हैं आज अपनी रिवायत को बरकरार रखती है या नहीं। तो जी, जो मैं आपको बता रहा था कि इसका रैक अभी तक प्लेस नहीं करवाया गया, तो ठीक 2:45 बजे ये रैक इसका आ गया वॉशिंग लाइन से बाहर, और ये आज इसका GRU-20 लोकोमोटिव नहीं, आज इसको ले के आया अपनी लाइन तक। तो ये आज ये ड्यूटी GU-40-9015 नंबर है, जो मैं अभी 9013 कह रहा था वो 9015 है। GU-40 अपनी ये ड्यूटी सर अंजाम देगा। अभी ये पीछे जा रहा है अपने ट्रेन के साथ कपल होने, अभी आगे आता है तो रिव्यू स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन सी क्लास का पहले होता है, इकोनॉमी क्लास का या बिजनेस क्लास का। और एक और नई चीज़ कि इसके अंदर AC स्टैंडर्ड भी कोच जो है वो ऐड कर दी गई है, जब से ये दोबारा ट्रेन रिस्टोर हुई थी सैलाब के बाद। तो मिलते हैं इसके रिव्यू वीडियो के साथ। तो जी, बिजनेस क्लास के आज कोचेज आगे लगाई गई हैं, तो उसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इसमें ये कैबन सिस्टम होता है, ओपन नहीं होता इसमें, ये देखें ये कैबन होता है एक, इसके कंपार्टमेंट के नेम लिखे होते हैं बाहर। ये अंदर चलें तो इसके अंदर जब हम आते हैं तो ये सात स्टेयर्स बनाई गई हैं ऊपर जाने के लिए, और आजकल जैसे सर्दियाँ हैं तो हीटर फुल लगाया गया, अंदर हीटर चल रहा है। ये इसकी सीट्स हैं, ये लगेज स्पेस है, ये बेड है, इसमें छः बंदों की बुकिंग होती है। ये अपर बेड है, ये मिडल है, ये सामने, और ये लोअर है। ये इसके अंदर आप देखें जी, ये टेबल दिया गया आपको, उसके नीचे चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं, ये देखें आप चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए। और हर सीट का जो है ये अलग सिस्टम है। ये देखो, ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स इजीली आप जो है इस पे बैठ सकते हैं। अब ये मैं दूसरी कोच के अंदर आया हूँ, वो दूसरे कैबन के अंदर आया हूँ। तो कैबन के अंदर इसमें भी जो है चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए, ये आप देख सकते हैं ये चार्जिंग पॉइंट्स हैं। और ये मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखें जी, ये मैं फुल कम्फर्टेबली यहाँ पर लेट चुका हूँ, मतलब लेग स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है, आप इसमें इजीली ट्रैवल कर सकते हैं कंफर्टेबल। अब इसके किराए की बात कर ली जाए तो इसका किराया है 6650 रुपये सिंगल बेड का, मतलब एक बंदे की बुकिंग एक बेड होता है, वो आप लोअर ले सकते हैं, अपर ले सकते हैं या मिडल। तो 6650 रुपीज़ एक बंदे का है ये। अगर आप पूरा कैबन बुक करवाते हैं लोगों का, ये आते हैं कमेंट्स, तो आप 6650 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपको जो आएगा आंसर वो पूरे कैबन का होगा। आप फैमिली के लिए भी बुक करा सकते हैं, ये मोस्टली फैमिलीज़ के लिए सूटेबल होता है, बुकिंग फैमिलीज़ करवाती हैं इसमें। अगर आप सिंगल भी करवा लें तो कोई उसका इशू नहीं है।
तो जी, ये जिस कोच का मैंने अभी आपको विजिट कराया था वो ये थी कि CNR कोच थी बिजनेस क्लास की। तो इसकी मैंने एक दो और बातें पता की हैं, तो वो ये हैं कि कम्प्लीमेंट में कुछ नहीं दिया जाता, जैसे कि मैंने पहले बताया। दूसरे नंबर पे बात आती कि इसमें तकिया और कंबल वगैरह वो भी आप अलहदा, ये वेटर आते हैं तो इधर से जैसे ही आप बैठें आप इनसे बुकिंग करके आप वो भी ले सकते हैं। तो वो क्योंकि रात के टाइम, ये आजकल सर्दियों में तो खैर इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़रूरत तो खैर होती है, वो चादर ऊपर लेनी पड़ती है सोने के लिए। उसके अलावा दूसरी जो है सर्दियों में ज़रूरत पड़ती है कंबल की, क्योंकि ठंड हो जाती रात के टाइम। इसमें जो है कैबन के अलावा ये भी होती है, ये सिंगल सीट्स जो है ना साथ, ये भी आप ले सकते हैं। इसका भी मैं आपको कंफर्म करता हूँ कि अभी ये जो है बुकिंग के साथ होती हैं या वैसे ही आप जो है कैबन के अलावा कैबन की सीट लेके आप यहाँ बैठ सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जी, मैंने वो पता किया बिजनेस क्लास का जो है वो ये है कि उसकी अलहदा से वो जो है आप ऑनलाइन तो नहीं बुकिंग कर सकते, लेकिन करंट उसकी बुकिंग हो जाती है। जैसा कि मुझे मुलाजमीन ने ही बताया, वहाँ के जो खड़े हुए थे उनसे मैंने पता किया, तो वो ये कह रहे हैं कि करंट रिजर्वेशन हो जाती है उसकी, तो बुकिंग एडवांस नहीं होती उसकी। चलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में, वो उसका मैं आपको बताता हूँ। जी, ये इकोनॉमी क्लास के अंदर इस तरह होता है, ये सीट्स जैसे बिजनेस क्लास में थी, छः कैबन होते हैं और छः बंदों का जो है, हाँ जी जी, मैं वो बता रहा था कि इसके अंदर छः बंदों की बुकिंग होती है। एक ये अपर बेड होता है, एक ये लोअर मिडल होता है और ये लोअर होता है। ये इसी तरह ये सामने भी होता है, इसमें ये ओपन कैबन होता है, वो जैसे बिजनेस क्लास में था उस तरह नहीं होता इस, हाँ जी इकोनॉमी क्लास। इसके अंदर ये चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है लेकिन डस्टबिन है, तो ये इकोनॉमी क्लास के अंदर नहीं दी जाती, ये बिजनेस एसी में दी जाती हैं चार्जिंग पॉइंट्स। तो इसका अभी तक यही सिस्टम था, इसके अलावा जो है एसी में होती है, इसके अंदर नहीं होती चार्जिंग पॉइंट्स, नहीं इकोनॉमी क्लास। जी, मैं इसका बता रहा था कि इसके अब टिकट प्राइस की बात कर ली जाए तो ये बर्थ का होता है 2950, मतलब इसमें अगर आप जिस जगह मैं बैठा हूँ अभी कैबिन के अंदर एक सीट बुक कराते हैं तो ये पूरे वो बर्थ की होती है बुक, 2950 रुपये ये इसका होता है एक बंदे का किराया, और सिंगल सीट जो है उसका 2850 होता है, 100 रुपये कम। तो वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि सिंगल सीट में क्या सिस्टम होता है, उसके अंदर बर्थ नहीं दी जाती आपको, इसमें जो है बर्थ दी जाती है आपको, तो 100 रुपये एक्स्ट्रा होता है, 2950 रुपये और 2850 सिंगल सीट का। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ सिंगल सीट में क्या। जी, ये सामने वाले की तरफ जो है सिंगल सीट्स हैं, ये आपको इस तरह ही सफ़र करना पड़ेगा, आपने जिस जगह से जिस जगह भी जाना ना, अगर आप सिंगल सीट की बुकिंग कराते हैं। इसके ऊपर बर्थ नहीं होती लेकिन इसके ऊपर सामान रखने की जगह ये इस तरह होती है। तो एसी स्टैंडर्ड में कुछ इस तरह होता है कि जैसा कि आपने देखा अभी, एसी स्टैंडर्ड में ये जो नीचे वाली सीट होती है ये बर्थ की टाइप की होती है, तो इसके ऊपर भी होता है बर्थ जहाँ पर सामान रखते हैं, लेकिन इसमें उस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता। ये सामने आपको ये एक ट्रेन अप्रोच होती नज़र आ रही है, पहुंच रही है, ये है 15 अप कराची एक्सप्रेस, जो कि अभी वहाँ से लेट पहुंची है कराची से। जी, इसमें जैसा कि ये एक्स्ट्रा कोच ऐड की गई है तो इसके साथ EX-T1 लिखा गया है, मतलब कुछ ट्रेन में जो है इकोनॉमी क्लास की ऐड हुई हैं, कुछ में AC स्टैंडर्ड की हुई हैं, कुछ में AC बिजनेस की, तो सब के साथ ये लिखा जाता है कि इतनी ये वाली एक्स्ट्रा है, आप मतलब परेशान, आपको सहूलत के लिए ये बताया जाता है कि ये एक्स्ट्रा है, आप बुकिंग में भी आपको ये शो की जाती है ये वाली एक्स्ट्रा कोच है, तो आप आके परेशान ना हो। ये देखें जैसे वो अब ये AC स्टैंडर्ड की थी एक्स्ट्रा 1 और ये बिजनेस क्लास की एक्स्ट्रा 2 है। ये अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें बिजनेस क्लास की कितनी होती हैं, AC स्टैंडर्ड की और इकोनॉमी क्लास। अब AC स्टैंडर्ड की बात कर ली जाए तो इसके अंदर जो है सिंगल पर्सन का किराया होता है एक बंदे का 5250 रुपये सिंगल बंदे का, इसमें बुकिंग होती बर्थ की, सिंगल सीट नहीं होती। जैसे मैं इकोनॉमी का रिव्यू करते हुए आपको बताया है कि इसके अंदर सिंगल सीट की बुकिंग नहीं होती, उसकी जगह बर्थ अटैच की जाती है। इसमें भी सहूलतें वो उस तरह ही हैं जिस तरह बिजनेस क्लास में भी, मतलब कंप्लीमेंट्री केयर नहीं होती, तकिया कंबल जो है या चादर आपने खुद से ख़रीदनी होती है। उसके अलावा इस तरह चार्जिंग पॉइंट्स आपको मिलते हैं और डस्टबिन होती है, और तमाम क्लासेस के सफाई का निशान बहुत ही बेहतरीन।
सफाई के निजाम में जो है कोई कंप्रोमाइज नहीं था, बिल्कुल बेहतरीन था, बिल्कुल हीटर क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि सर्दियों में ये हीटर क्वालिटी हीटर चल रहा था फोन से। तो जी अभी मैं जैसे ही वीडियो बना के फारग हुआ तो इधर से ट्रेन के डिपार्चर विसल हो गए, अभी रवाना होने लगी है। तो अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए 15 मिनट लेट निकल रही है, लेकिन रिवायत मैं इस तरह कह रहा हूँ कि ये राइट टाइम ही होती है। आज बस अब 15 मिनट लेट हुई है, तो ये फैसलाबाद पहुँचने तक जो इसका पहला स्टॉप है इंशाल्लाह कवर कर जाएगी। अगर फैसलाबाद भी ना कवर हुआ तो फिर दूसरा स्टॉप जो है इसका खानेवाल, वहाँ तक तो इंशाल्लाह ये मोस्टली 20 मिनट आधा घंटा अर्ली पहुँच जाती है ट्रेन ना। आजकल ज़रा वो डिस्टर्ब हुआ है इसका टाइम टेबल धुंध की वजह से, ये दोबारा ब्रेक लगी, अभी देखते हैं क्या इशू है। जी ये ट्रेन दोबारा चल चुकी है, लो जी इनका सामान भी काफ़ी ज़्यादा है, और ये जो हैं चढ़ाने की भी कोशिश फुल कर रहे हैं। देखो अब क्या होता है, इनका चढ़ जाएगा, तकरीबन चढ़ ही गया है सामान जो है। फिर थोड़ी स्लो करवाई तो असिस्टेंट ड्राइवर ने देख के जो है ना, अब इसकी थोड़ी सी देरी है, बाकी तो काम ओके है, ट्रेन निकल रही है, चढ़ ही गया जी, दाएं बाएं चढ़ा ही लिया, कुछ पहले डब्बे में, कुछ दूसरे में, कुछ तीसरे में। जी अब जो है GU40 एक्सेलरेट कर रहा है फुल टाइम, वो आगे मैं जाके ज़रा अगले एंगल से कैप्चर करता हूँ, बल्कि इधर से ही ठीक है। एक दो तीन बिजनेस की हो गई है, तीन ये चौथी बिजनेस क्लास की हो गई है, ये एक्सटेंशन आई है इसकी एसी स्टैंडर्ड की, ये एक ही एसी स्टैंडर्ड की कोच है इसके अंदर पूरी ट्रेन में, ये पांचवी बिजनेस क्लास की हो गई है, पांच बिजनेस क्लास की हो गई हैं और एक ऐसी स्टैंडर्ड की, अब ये बाकी इकोनॉमी क्लास की है। ये 13 सीट्स और 13 कोचेज जो है ना लिखी हुई हैं ऊपर, 13 ना भी हुई तो 12 होंगी, क्योंकि एक लगेज वैन होती है वो भी थोड़ा सा हिस्सा उसका सवारियों में दे देते हैं ये। बाकी ये ट्रेन बेस्ट रिकमेंडेड है सफ़र के लिए। अब इस ट्रेन के स्टॉप्स की बात कर ली जाए तो लाहौर स्टेशन से चलने के बाद पहला स्टॉप आता है इसका फैसलाबाद, फिर आता है खानेवाल, फिर उसके बाद आता है बहावलपुर, उसके बाद रोहड़ी जंक्शन, फिर आता है हैदराबाद,
फिर लांडी और ड्रिग रोड। उसके बाद ट्रेन पहुंचती है कराची कैंट स्टेशन। दोनों तरफ से इसी तरह लाहौर और कराची से, मतलब कराची से 3:30 निकलती है, लाहौर से 3 बजे, जबकि इसका पहुंचने का टाइम होता है 9 बजे, सुबह 9 बजे तक जो है ना पहुँच जाती है, 9 या 9:30 तक। ये वही जैसे मैंने बताया कि आखिरी कोच जो है वो लगेज वैन होती है, तो वो उसी तरह आधी सवारियों के लिए और आधी लगेज वैन है। ये आखिरी कोच इसका 18 कोच इसका रैक है जो कि निकल चुका है अब लाहौर स्टेशन से। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोहब्बतों का इजहार कीजिए, और फेसबुक पर देखने वाले नाज़रीन स्टार भेज के हौसला अफजाई करें। तो अल्लाह हाफिज़।